Hello students and welcome to Prepa IAS. I'm Shabangi Sharma your faculty for history and culture. Students as a part of this particular series we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims and the topic for today's lecture is going to be post war upsurges and the cabinet mission. So let's begin. Now students in the last class we had understood so as to how the second world war has had erupted in 1939. जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है हम देखते हैं कि हमारी जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज हैं वो रिजाइन कर देती है स्टूडेंट रेजिग्नेशन के बाद हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मास मास्पिवल होने लगता है कांग्रेस जो है हमारे पास में वो ये बोलने लगती है कि भाई या तो आप हमारे को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दें और किसी फॉर्म के अंदर इमीजिएट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर पे दें वरना हम आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है हेल्प नहीं करेंगे हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सरकार जो है हमारी सारे पॉइंट्स को डिनाय करती है ऑगस्ट ऑफर में भी डोमिनियन स्टेटस की बात होती है क्रिप्स मिशन में भी डोमिनियन स्टेटस की बात होती है और इस वजह से हम देखते हैं कि हम 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट स्टूडेंट्स शुरू होते ही हम देखते हैं कुछ ही समय में हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इसकी वजह से इसकी लीडरशिप जो है स्टूडेंट्स पेजेंट और वर्कर्स ये आगे लेकर जाते हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्विट इंडिया के साथ साथ ही हम देखते हैं बहुत ज्यादा कम्युनलिज्म फैल रही है हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी टूट रही है सिंपली अगर हम बोले तो हमारी आईएनसी और मुस्लिम लीग जो है इनकी यूनिटी आपस में बहुत ज्यादा टूट रही थी इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास बीच में दो प्लान आते हैं हमारे पास मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर्स आते हैं कि भाई आपस में कोई समझौता हो जाए इसके तहत सीआर प्लान और देसाई लियाकत पैक्ट आता है लेकिन दोनों के दोनों एक के बाद एक फेल हो जाते हैं इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है हमारे पास वेवल प्लान आता है जहां पर हमारे जो वाइस रॉय है वेवल वो कोशिश करते हैं कि भाई आपस के अंदर कुछ बातचीत हो जाए और इंटरिम गवर्नमेंट हम फॉर्म कर पाए इस कॉन्टेक्स्ट में वेवल प्लान जो आता है students, वो का जो काउंसिल है उसके फॉर्मुलेशन के लिए आता है जिसमें कहा जाता है कि वाइसर कमांडर इन चीफ की पोजीशन को छोड़ के बाकी जितनी भी सीट्स होंगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसमें फिफ्टी परसेंट हिंदू और फिफ्टी परसेंट जो है उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो बोलती है कि देखो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुस्लिम्स वाली सीट है उसकी सोल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग को मिलनी चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो कि मुस्लिम लीग को सपोर्ट ही नहीं करते इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो कॉन्वर्सेशन है वो ऑल टुगेदर फेल हो जाती है और वेवल बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं नेगोशिएशन कराने की एंड दैट इज वाई वेवल प्लान टर्न्स आउट टू बी अ टोटल फेलियर ऑल टुगेदर वेर इन ही हिमसेल्फ डिक्लेयर्स की फेलियर ऑफ टॉक्स हो चुका है और इनके बीच में मैं नेगोशिएशन नहीं करा पा रहा हूँ इसी बीच में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो जाता है और इस पर्टिकुलर लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो उसके बाद इंडिया के अंदर क्या चल रहा है यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगर हम अपने नेशनल मूवमेंट की बात करें या फिर हमारी मासेस किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये दो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डेवलप हो रहा था बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे एक ब्रांच जिसमें हम नेशनल अपसर्च देखते हैं उसमें क्या चल रहा है एक तरफ तो बैठे है भाई हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो जिसके अंदर हमारे पास दो मेन पार्टी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग और ये किससे नेगोशिएट कर रहे हैं ये गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हमारे को इंडिया के पोलिटिकल लैंडस्केप में बहुत ज्यादा कम्यूनल वायलेंस भी देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रगल का स्टूडेंट्स जो फाइनल कल्मिनेशन होगा वो हमें फ्रीडम तो देगा लेकिन फ्रीडम के साथ साथ हमें पार्टीशन को भी बेयर करना पड़ेगा सेकेंड टाइप ऑफ अपसर्च जो आप देखेंगे यहाँ पे वो क्या हो रहा था हम देखते हैं हमारे जो मासेज हैं वो अपने कोई मुद्दों के ऊपर लोकल मूवमेंट्स चला रही थी

रॉयल इंडियन नेवल क्या थी इसका हम इस लेक्चर में आगे जाकर डिस्कशन करेंगे यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब ये पॉपुलर अपसर्जिस चल रही थी तो गवर्नमेंट मासेस को शांत करने के लिए जो है थोड़े बहुत अनाउंसमेंट्स करती है ये अनाउंसमेंट्स जो है स्टूडेंट्स दीज इंक्लूड वेवल प्लान जो कि फेल हो गया उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की वजह से हम देखते हैं कि यहां पर हमारे को थोड़े से कंसेशंस मिल रहे हैं इन कंसेशंस के तहत ये डिस्कस किया जाता है कि अगस्त 1945 जो है उसके अंदर सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन होंगे मोर ओवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सेवनटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं ये दो अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स हम देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट तब करती है जब इनसे एक महीने पहले लगभग लेबर पार्टी जो है वो पावर में आ जाती है ब्रिटेन के अंदर तो यहाँ पे हमने क्या देखा हमने ये देखा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है और उसके बाद हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इंडिया में क्या चल रहा है यहाँ पे मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर हम दो डिफरेंट ब्रांचेस में देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्ट्रगल चल रहा है पहली ब्रांच का जो स्ट्रगल है वो है हमारी दोनों पार्टीज मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनका गवर्नमेंट से नेगोसिएशन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही है और इस वजह से हम देखते हैं कि देश में कम्युनल वायलेंस भी देखने को मिल रही है दूसरी तरफ अगर हम चले तो हम देखते हैं ये लोकलाइज्ड मूवमेंट्स चल रहे हैं लेकिन ये मिलिटेंट है कैरेक्टर में यानी कि वायलेंस हो रही है इनके अंदर और इनके दो जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स हैं दीज आर दी आईएनए रिलीज मूवमेंट एंड द रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी ये क्या है इनका हम डिस्कशन करेंगे लेकिन अभी के लिए हमें इतना पता है कि भाई इस तरह के पॉपुलर अपसर्जेस देश भर में चल रहे हैं इनको देखते हुए स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ऑलरेडी एक तो वेवल प्लान फेल हो चुका है उसके अलावा हमारे यहाँ ब्रिटेन में ब्रिटेन फ्रंट पे बहुत बड़ा चेंज आ गया है और कंजर्वेटिव पार्टी की जगह हमारे पास में लेबर पार्टी आ गई है इस वजह से सरकार कुछ अनाउंसमेंट्स करती है जिससे कि मासेस के अंदर और ओवरऑल जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें थोड़ी शांति बनी रहे इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं एक तो सेंट्रल और प्रोविंशियल इलेक्शंस अनाउंस होते हैं और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन जो कि लॉन्ग पेंडिंग है 1928 से कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कोशिश चल रही है स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टास्क लॉन्ग पेंडिंग पड़ा है उसके लिए कहा जाता है कि भाई इसको कन्वीन किया जाएगा जब हमारे इलेक्शन हो जाएंगे अब यहां हमारे माइंड में जो पहला सवाल आना चाहिए वो ये है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि सरकार का एटीट्यूड चेंज हो रहा है और वो इन अपसर्जिस को दबाने की जगह इस तरह के कंसेशंस दे रही है इसके स्टूडेंट्स आप देखेंगे कुछ लोकल कारण भी रहे और कुछ ग्लोबल कारण भी रहे ग्लोबल रीजंस की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो हम देखते हैं वर्ल्ड पावर्स के अंदर एक चेंज ऑफ बैलेंस आता है यानी कि ग्लोबली अब हम देख रहे हैं इंग्लैंड जो कि सुपीरियर माना जाता था पावर में वो पावर बैलेंस अब शिफ्ट हो गया है और इसकी जगह अब हमारे पास दो नई सुपर पावर्स आई हैं दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर अब जब ग्लोबल लेवल पर ये शिफ्ट आ रहा है स्टूडेंट्स और हम देखते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर अब ज्यादा पावर में आ गए हैं तो ये दोनों के दोनों इंडिया के फ्रीडम को फेवर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज कर रहे हैं कि इंडिया को उसका फ्रीडम दे दो मोर ओवर स्टूडेंट्स अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर भी एक मेजर चेंज आया है वो मेजर चेंज क्या है हम देखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाई इन हमारे पास लेबर पावर आई है और लेबर गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट्स वो ज्यादा सिंपथेटिक है इंडिया की डिमांड्स को लेकर और इस वजह से हम देखते हैं विद इन इंग्लैंड भी ये डिमांड्स चल रही हैं कि इंडिया को अब फाइनली उसकी इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए

इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि भाई अगर कोई कंसेश नहीं दिए तो हो सकता है कि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी सिचुएशन दोबारा आ जाए इस वजह से ब्रिटिश सरकार उसको टैकल नहीं करना चाहती थी दैट इज वाई वेंट टू अ कंसिलियटरी मोड मोर ओवर इलेक्शन का अनाउंसमेंट करना तो वैसे भी जरूरी था क्योंकि लास्ट हमारे सेंट्रल इलेक्शन हुए थे 1934 में और प्रोविंशियल हुए थे 1937 में और ये लॉन्ग पेंडिंग थे क्योंकि अब हमारे पास क्या चल रहा है 1945 चल रहा है तो ये स्टूडेंट्स हमारे कुछ ग्लोबल और लोकल लेवल पर चेंजेस रहे जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सरकार का एटीट्यूड बदल रहा है इन एटीट्यूड्स के बदलने में एक मेजर कारण हमारे यहां पर पॉपुलर अपसर्जेस भी रही इन पॉपुलर अपसर्जेस के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि दो मेजर हमारे पास पॉपुलर अपसर्जेस हैं जिसमें एक है हमारे आईएनए के ट्रायल्स और दूसरी है हमारी रॉयल इंडियन नेव रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं इन दोनों इश्यूज के ऊपर तीन पॉपुलर अपसर्जेस होती हैं यानी कि तीन पॉपुलर लड़ाइयां होती हैं पहली लड़ाई होती है 21 नवंबर 1945 को जहां पर हम देखते हैं कैलकटा के अंदर आईएनए ट्रायल्स को लेकर झगड़ा चल रहा है अभी भी आपके माइंड में ये होगा कि भाई आईएनए ट्रायल्स हैं क्या जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट दूसरी लड़ाई हमारी होती है इलेवेंथ फेब्रवरी 1946 को जहां पर हम देखते हैं आईएनए के ही एक ऑफिसर थे जिनको सात साल के लिए जेल हो जाती है और यहां पर हम देखते हैं सेकेंड अपसर्ज होती है तीसरी जो हमारी अपसर्ज है स्टूडेंट्स ये एटीन फेब्रवरी 1946 को होती है जब हम देखते हैं कि बॉम्बे के अंदर रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी हो जाती है तो ये जो तीन पॉपुलर अपसर्जेस हैं ये भी सरकार के माइंड को बदलने में उनके एटीट्यूड को बदलने में हेल्प करती है अपार्ट फ्रॉम ऑल दी ग्लोबल रीजन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों पॉपुलर अपसर्जेस की बात करें एक तो अपनी रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी हो गई और दूसरी अपनी आईएनए हो गई तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई ये नेवल म्यूटनी क्या थी और ये आईएनए का ट्रायल क्या था वन बाय वन दोनों को डील करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि भाई नेवल म्यूटनी क्या थी यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 18 फरवरी 1946 को हमारे पास अराउंड 1100 हंड्रेड रॉयल इंडियन नेवी के रेटिंग्स है रेटिंग्स बेसिकली स्टूडेंट्स एक डेजिग्नेशन होती है और रेटिंग का मतलब होता है सेलर सिंपली अ सेलर हाउ एवर ऑफ अ वेरी लोअर रैंक तो हम देख रहे हैं बहुत लोअर रैंक के सेलर हैं जिन्हें हम रेटिंग्स कह रहे हैं ये लोग जो है ये एच एम आई एस तलवार जो शिप है उसके ऊपर एक स्ट्राइक शुरू करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस वजह से स्ट्राइक हो रही है ये स्ट्राइक होने के स्टूडेंट्स कई कारण रहे जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो रेटिंग्स हैं एक तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा था आप देखेंगे लोएस्ट रैंकिंग हमारे पास में जो रेटिंग्स बैठे हैं ये सब हैं इंडियंस जबकि जो टॉप पोजिशन है नेवी में दीज वर रिजर्व फॉर यूरोपियंस तो इस वजह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था और इसके लिए यहाँ पर नेवल म्यूटनी हो जाती है इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो खाना इन लोगों को सर्व किया जाता था वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था बहुत ही अडल्ट्रेटेड फूड इन्हें दिया जाता था और इस वजह से भी ये स्ट्राइक पर चले जाते हैं सुपीरियर ऑफिसर्स की अगर हम बात करें जो ज्यादातर यूरोपियंस हैं वो इनके साथ ऑटोमेटिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और इनको परेशान करते थे इस वजह से इन्होंने स्ट्राइक करी इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एक रेटिंग जो है जो कि एचएमआईएस तलवार पर था उसने वहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट के आ, को एक तरह से सपोर्ट करने के वे में कुछ बोला ठीक है या फिर उसके लिए कुछ लिखा अपने आ, शिप के ऊपर और इस वजह से हम देखते हैं कि यहां पर जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इसकी वजह से भी ये रेटिंग्स जो है ये नाराज है मोर ओवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनकी एक और डिमांड है और वो डिमांड ये है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि ये इंडोनेशिया के अंदर जो ट्रूप्स बैठी हैं ठीक है, है? इंडोनेशिया के अंदर जो ट्रूप्स बैठी हैं उनका विड्रॉल ये डिमांड कर रहे हैं ये कह रहे हैं भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा हो चुका है उसके अलावा हमें क्यों यहाँ पर बैठा रखा है तो यहां पर ये बहुत सारे कारण रहे जिनकी वजह से ये अपने बहुत प्रेशर में होते हैं और ये प्रेशर जो है फाइनली कलमिनेट होता है इन दी नेवल म्यूटनी। यहां पर स्टूडेंट्स देखने वाली बात है वो ये है कि आई का डायरेक्ट सपोर्ट ठीक है आईएनसी का डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो आपको रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी में नहीं देखने को मिलेगा हाउ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे जो मासेज हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस म्यूटनी को यानी कि आपको यहाँ पे मास या फिर पॉपुलर सपोर्ट देखने को मिलेगा और इस वजह से ये पर्टिकुलर कॉज ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर हो जाता है तो दो अपसर्जिस में से एक तो अपन ने समझ ली इसके अंदर रेटिंग्स क्या होता है रेटिंग एक डेजिग्नेशन है कौन से शिप पर हो रही है म्यूटिनी। तो तलवार है तो ये जो कुछ पॉइंट्स हो गए और किन की वजह से हो रही है इनको आपको याद रखना है इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि दूसरा मेजर जो अपसर्ज हो रहा है हमारा वो किस वजह से हो रहा है वो आई एन ए के ट्रायल्स की वजह से हो रहा है तो इन ट्रायल्स को हम समझते हैं सबसे पहले देखते हैं कि आईएनए है क्या आई एन एस स्टूडेंट स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल आर्मी ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है ये इंडिया में नहीं थी ये इंडिया के बाहर बनी थी तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसका फॉर्मेशन इसकी मेजर लीडरशिप देखते हैं और फिर देखेंगे कि इनके ट्रायल्स क्यों हो रहे हैं स्टूडेंट्स अगर आई की बात करी जाए तो ये इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसका आइडिया इंडिया के अंदर इनफैक्ट डेवलप भी नहीं हुआ था इसका आइडिया बेसिकली क्या था इसका आइडिया था टू क्रिएट एन आर्मी आउट ऑफ द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर हु वर ओरिजिनली स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया एनी इस आइडिया को क्रिएट करने वाले जो इंसान थे उनका नाम था मोहन सिंह और इन्होंने ये जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है ये कहां से इकट्ठे करने शुरू करे इन्होंने ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है जापान से इकट्ठे करने शुरू करे जहां पर इनकी मदद जापानीज गवर्नमेंट कर रही थी जापानीज़ गवर्नमेंट इनकी मदद क्यों कर रही है बिकॉज वो ऑलरेडी ब्रिटेन के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर टू के अंदर एक्सेस साइट पर है यहाँ हम देखते हैं जैपनीज जो है वो मोहन सिंह की मदद करते हैं और वो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है वो इनको लाकर दे देते हैं जिनको रिक्रूट करके ये इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं जिससे कि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आर्म्ड स्ट्रगल कर सके सो so दैट हमारे देश को फ्रीडम मिल जाए इस कॉन्टेक्स में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब हमारे पास में क्विट इंडिया मूवमेंट का आउटबर्स्ट होता है इंडिया के अंदर तो आईएनए को और ज्यादा बूस्ट मिलता है यह अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने लग जाती है जिससे कि इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ सके मोहन सिंह के बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आईएनए का जो है एक बहुत ही रिफ्रेशिंग फेज आता है जिसे हम कई बार सेकेंड फेज ऑफ आई भी बोलते हैं ये जो फेज है है स्टूडेंट्स का ये सुभाष चंद्र बोस के के अराइवल साथ आता है, जो कि सिंगापुर पहुंचते हैं सुभाष चंद्र बोस के स्टूडेंट्स हमने बात करी थी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही थीड इंडिविजुअल थे उन्होंने एक समय पर प्रेस्टीजियस इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी क्लियर किया था और उसके बाद जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक जाने माने मेंबर की तरह काम कर रहे थे और वो आईएनए के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे लेकिन 1939 में स्टूडेंट्स क्या होता है हम देखते हैं कि 1939 में उनमें और महात्मा गांधी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं महात्मा गांधी नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन करना चाहते थे जबकि सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि अगर देश के आजादी के लिए वायलेंस करनी पड़े तो ये एक बहुत ही छोटी सी कीमत होगी इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से हम देखते हैं कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो आईएनसी से रिजाइन कर देते हैं और अपनी खुद की एक पार्टी बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं दैट इज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हाउएवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके कुछ समय बाद ही सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इंडिया छोड़कर बाहर चले जाते हैं और अलग अलग कंट्रीज में जाकर उनकी गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू गेट देयर मिलिट्री सपोर्ट सो दैट दे कैन फाइट फॉर द कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे गोल्डन फेज आईएनए का और सुभाष चंद्र बोस दोनों का शुरू होता है जब सुभाष चंद्र बोस फाइनली सिंगापुर में लैंड करते हैं जब सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं तो वो आईएनए को एक नई जिंदगी एक न्यू लाइफ दे देते हैं यहां पर हम देखते हैं ऑलरेडी जब सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस पहुंच रहे हैं तो यहां पर आईएनए की देखरेख कर रहे थे राश बिहारी बोस राज बिहारी बोस जो हैं स्टूडेंट्स वो जापान के अंदर काम कर रहे थे पहले आईएनए के लिए और यहां पर वो इसके नेचुरलाइज सिटीजन बन चुके थे जापान के अंदर ही राज बिहारी बोस जो है उन्होंने इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो खोला था जिसके अंदर वो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के ईवल्स जो है उनको प्रीच करते थे और इंडियन मास को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे राज बिहारी बोस स्टूडेंट वो शख्स रहे जिन्होंने आईएनए की बागडोर जो है वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दे दी और यहां से हमारा सेकेंड फेज स्टार्ट होता है 25 अगस्त 1943 को स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आईएनए के सुप्रीम कमांडर घोषित कर दिए जाते हैं जैसे ही सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आईएनए की सुप्रीम कमांड आती है वो इसको और एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया का डिक्लेरेशन करते हैं एक्ट सिंगापुर और इसके अंदर वो काफी सारे अपने साथ मिनिस्टर्स रखते हैं जैसे कि एच सी चैटर्जी जो कि फाइनेंस पोर्टफोलियो संभालते हैं देन वी हैव एम ए आयर जो कि ब्रॉडकास्टिंग का पोर्टफोलियो संभालते हैं एंड देन वी हैव लक्ष्मी स्वामीनाथन जो कि विमेन का डिपार्टमेंट हैंडल कर रही है तो यहां पर हमने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट इंडिया के बाहर इंडिया के लिए डिक्लेयर कर दी है फॉर इट्स फ्रीडम ऑल टुगेदर और इसमें कौन कौन सा पोर्टफोलियो हैंडल कर रहा है इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि नेताजी का जो सबसे पॉपुलर स्लोगन था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इस पर्टिकुलर स्लोगन को इन्होंने मलय से सबसे पहले बोला था इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप के अंदर ही हमारे आईएनए के जो हेडक्वार्टर हैं उनको सिंगापुर से रंगून यानी कि बर्मा के एरिया के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है इन दर नाइनटीन फोर्टी फोर यहां पर हम देखते हैं कि इनके पास जो आर्मी रिक्रूट्स हैं यहाँ पर जिन्हें वो ट्रेन कर रहे हैं उनको वो एक और स्लोगन देते हैं दैट इज चलो दिल्ली तो चलो दिल्ली का जो हमारा स्लोगन है वो सिंपली क्या है कि नाउ वी आर गोइंग टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री एंड दे आर यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ नेताजी हु इज वर्किंग नाउ फॉर आई एन ए हु इन टर्न इज वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्या होता है सिक्स नवंबर 1943 को जापान जो कि ऑलरेडी आई बनाने में हमारी मदद कर रहे थे वो वो इंडिया को या फिर नेताजी जो हैं हैं उनको अंडमान निकोबार आइलैंड दे देते हैं, जिससे कि वो इस एरिया के अंदर अपने रिक्रूट्स को ट्रेन कर सकें यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर आइलैंड को रीनेम करके शहीद द्वीप या फिर स्वराज द्वीप बोला जाता है जहां पे काम क्या चल रहा है आईएनए के मेंबर्स को ट्रेन करने का फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सिक्स जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस डिस्पाइट हैविंग सीवियर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद महात्मा गांधी गिव्स द वेरी पॉपुलर स्पीच इन विच ही एड्रेसेस हिम एज द फादर ऑफ द नेशन एंड दिस पर्टिकुलर स्पीच इज डिलीवर्ड बाय हिज आजाद हिंद रेशियो यहां पर हम देखते हैं गांधी को फादर ऑफ द नेशन पहली बार खुद नेताजी बोलते हैं जबकि इन दोनों के बीच में काफी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हैं यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फाइनली एटीन मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज जो है वो एक्शन में आती है और यहां पर वो बर्मा बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया की सॉइल पर पहुंच जाते हैं यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आईएनए की फर्दर यूनिट्स जो हैं वो कोहिमा और इम्फाल के एरिया में भी धीरे धीरे करके फैलने लगती हैं थ अप्रैल 1944 को स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में आई एन ए के एक लीडर हैं जिनका नाम है कोलोनल मलिक ये जो है बहादुर ग्रुप के थे और ये आई एन ए का जो फ्लैग है उसको पहली बार इंडियन सॉइल के ऊपर लहराते हैं एट अ प्लेस नोन एज मोरांग विच इज करंटली लोकेटेड इन मणिपुर यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिक इवेंट रहा है और इसी वजह से आज भी इस एरिया के अंदर इसको हिस्टोरिक इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए इसको सेलिब्रेट करने के लिए यहां पर हमने आईएनए का मेमोरियल बना रखा अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब कोलोनल मलिक जो हैं वो इस फ्लैग को होस्ट करते हैं तो यहाँ पर उनके साथ जो उनके साथी हैं आईएनए के वो बड़े एंथुसियास्टिक नारे लगाते हैं जैसे कि जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फिफ्टीन अगस्त 1945 को अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत जापान जो है वो सरेंडर कर देते हैं और इसी के साथ साथ आईएनए को भी मजबूरी में सरेंडर करना पड़ता है जब आईएनए को स्टूडेंट सरेंडर करना पड़ता है तो अब हम देखते हैं कि ये जो कि बर्मा और मणिपुर वाले एरिया के अंदर फैले हुए हैं इनको पकड़ पकड़ के अब दिल्ली लाया जाएगा इन आईएनए के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को और इनका ट्रायल किया जाएगा तो यहां पे हमने स्टोरी कैसे स्टार्ट करी थी कि हमारी दो पॉपुलर अपसर्जेस हुई थी जिनकी वजह से गवर्नमेंट ने हमारे को कंसेशन देने शुरू कर दिए इन कंसेशंस के बात करी थी हमने स्टूडेंट्स जिसमें इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ था एटसेट्रा तो यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस कॉन्टेक्स में हमने एक तो नेवल म्यूट नहीं पढ़ ली और दूसरा हमने देखा कि आई एन ए रिलेटेड ट्रायल्स हो रहे हैं तो आई एन ए रिलेटेड ट्रायल्स हो रहे हैं मैं पहला सवाल यह आता है कि आई एन ए है क्या हमने यहाँ पर आई एन ए का पहला फेज और दूसरा फेज दोनों देख लिया आई एन ए ने कब सरेंडर किया ये पॉइंट देख लिया और अब हम इसके बाद देखेंगे कि जब आई एन ए के लीडर्स सरेंडर कर देते हैं आई एन ए के सोल्जर्स सरेंडर कर देते हैं बेसिकली तो अब इनको पकड़ के दिल्ली लेकर आया जाएगा जहां पर इनको एक के बाद एक इनका ट्रायल होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगस्त 1945 को ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है एक एयर क्रैश में हाउ एवर स्टूडेंट्स ये बहुत ही कंटेस्टेड पॉइंट है बहुत लोग कहते हैं कि सुभाष नेताजी जो है उनकी डेथ नहीं हुई थी उन्होंने अपनी डेथ को स्टेज किया था ऑल टुगेदर यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इन एनी केस हमारे पास में एक चीज जो शोर है वो ये है कि आई एन ए के बहुत सारे सोल्जर्स को पकड़ लिया गया है और अब इनको इंडिया लेकर आया जा रहा है जिससे कि इनका ट्रायल और इनका कोर्ट मार्शल किया जा सके जब ऐसा होने लगता है तो हम देखते हैं बहुत ही पॉपुलर मास अपहीवल होता है एंड अनलाइक द नेवल म्यूटनी यहां पर तो कांग्रेस भी आगे बढ़ चढ़ के आती है कि हम इन आई एन ए मेंबर्स की मदद करेंगे कॉन्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही कांग्रेस का जो पहला सेशन होता है सेप्टेंबर 1945 में जो कि बॉम्बे में हो रहा है यहां पर एक बहुत ही स्ट्रांग रेजोल्यूशन लिया जाता है जिसमें कि कांग्रेस कंप्लीटली आई एन ए के कॉज को सपोर्ट कर रही है और आई एन ए के ट्रायल्स के खिलाफ खड़ी हो रही है स्टूडेंट्स आप हाँ देखेंगे कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो इनिशियली गवर्नमेंट इनका जब ट्रायल करती है तो मास अपीवल देखते हुए भी इग्नोर कर देती है इस बात को कि हमें इन लोगों को छोड़ देना चाहिए हाउएवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सरकार स्टार्टिंग में थोड़ी अकड़ में रहती है और जब मास अपीवल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और आई एन ए के लीडर्स के लिए सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी ठंडी होना शुरू करती है यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हम आई के पहले ट्रायल की बात करें फर्स्ट ट्रायल की बात करें तो ये ट्रायल जो है काफी हिस्टोरिक माना जाता था इसको कंडक्ट किया गया था रेड फोर्ट डेली में इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे जिन तीन सोल्जर्स का ट्रायल होने वाला था उनकी जो ग्रुपिंग करी गई थी वो भी बहुत पेक्यूलियर थी यहां पर हमारे पास एक हिंदू सोल्जर थे एक सिख सोल्जर थे और एक मुस्लिम सोल्जर थे और इन तीनों का मिलके ट्रायल होने वाला था रेड फोर्ट दिल्ली में और इसके अगेंस्ट हम देखते हैं कांग्रेस मुस्लिम लीग और इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारी जितनी भी मासेज हैं उन्होंने एक सार आई एन ए को सपोर्ट किया है हिंदू लीडर के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे पास हैं प्रेम कुमार सहगल सिख सोल्जर की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास गुरबक्श सिंह ढिल्लो और मुस्लिम लीडर की अगर हम बात करें तो ये है शाह नवाज खान तो हमारे पास में यहां ये तीन आईएनए के लीडर्स या सोल्जर्स आप मान सकते हैं जिनका फर्स्ट ट्रायल होने वाला था और इसकी वजह से मास मासबल होता है यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इन आईएनए के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एक तरह से लेकर आया गया है जो आर्मी प्रिजनर्स को यहाँ पर लेकर आया गया है इनका जो डिफेंस है इसको अरेंज करते हैं आईएनसी आईएनसी के के लीडर्स लीडर्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर लीगल बैकग्राउंड के थे और उन्होंने डिसाइड किया कि, कि कोर्ट के अंदर इनके इनके केसेस को हम लड़ेंगे यहां पर स्टूडेंट्स आगे होकर जो आईएनसी के लीडर्स आते हैं दीज इंक्लूड भूलाभाई देसाई तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू जवाहरलाल नेहरू एंड असफली तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये सारे लीडर्स हमारे पास में बैठे हैं जो कि आईएनए प्रिजनर्स जो हैं इनके केसेस के लिए लड़ रहे हैं कोर्ट में इसके अलावा स्टूडेंट आप देखेंगे क्योंकि हमारे को बहुत ही ज्यादा मास सपोर्ट भी मिल रहा है आई एन ए के कॉज के लिए इस वजह से एक आई एन ए रिलीफ इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है जो कि छोटे छोटे सम्स ऑफ मनी एंड फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और उसके अलावा आई एन ए के जो लोग अब इंडिया पहुंच चुके हैं उनके लिए अरेंजमेंट करने की एम्प्लॉयमेंट के अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए फंड कलेक्शन कर रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स हमें दिखाते हैं कि कैसे आईएनसी उसके अलावा दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स और मासेस जो हैं वो आईएनए के सपोर्ट में फुल फ्लेजेड होकर आई और इसी वजह से आईएनए की जो एजिटेशन है इसको हिस्टोरिक माना जाता है क्योंकि यहां पर आईएनए के सपोर्ट के लिए एक तो एक स्पेसिफिक डे भी सेलिब्रेट किया गया था दैट इज आईएनए डे ऑन 12th नवंबर 1945 इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं आगे जाके एक पूरा आई एन ए वीक सेलिब्रेट होने लगा फ्रॉम नवंबर फिफ्थ टू नवंबर इलेवन एंड दिस वाज टू कमेमोरेट द अमेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ दीज प्रिजनर्स ऑफ वॉर हु हैड फॉट लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये हमारे दो पॉपुलर अपसर्जेस रहे जिसमें एक तो हमारे पास नेवल म्यूटनी है दूसरा हमारे पास में आईएनए का ट्रायल है ये ट्रायल से पहले हमने देखा आईएनए क्या थी उसके अलावा हमने ये देखा कि आईएनए के लिए कैसे कांग्रेस और पॉपुलर सपोर्ट आगे आ रहा है और इनको जस्टिस दिलवाने के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव काम किया जा रहा है इसी वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनके एटीट्यूड में चेंज आता है और इन पॉपुलर अपसर्जेस का जो है इंडियन पोलिटिकल लैंडस्केप पे मेजर इम्पैक्ट पड़ता है इस इम्पैक्ट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सरकार जो है वो घबरा गई है नंबर वन ऑलरेडी मोर ओवर जो हैं वो बहुत फियरलेस हो चुकी हैं और यहां पर हम देखते हैं कि बड़ा आगे आकर जो है आईएनए और ये नेबल म्यूटनी का सपोर्ट कर रही हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सरकार फिर से डर रही है कि भाई ये लोग जो है मिलके कोई मिलिटेंट एक्शन ना ले ले इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस का जो रिवोल्ट था इसका एक लिबरेटिंग इफेक्ट था ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल और हमारी जो नेवल म्यूटनी रही है उसको तो एक एंड ऑफ ब्रिटिश रूल के इवेंट की तरह कमेमोरेट किया जाता है तो ये तो हमारे देश के लोगों के ऊपर इंपैक्ट रहा उनका माइंड सेट चेंज होने लग गया ऑल टूगेदर कि हमारे पीछे इतनी बड़ी बैकिंग बैठी है और अब तो बस फ्रीडम आके ही रहा तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट स्टूडेंट्स हमें देखने को मिला और इस वजह से हम देखते हैं सरकार भी कंसिलेटरी मोड में आ जाती है और कुछ कुछ करके हमें कंसेशंस देने लगती है जैसे कि नंबर ब्रिटिश सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि सिर्फ उन आईएनए मेंबर्स का ट्रायल किया जाएगा जो कि मर्डर या फेलो प्रिजनर्स को ब्रूटली या वायलेंटली ट्रीट कर रहे थे तो ही हम उनका ट्रायल करेंगे अदरवाइज जो बचे हुए हमारे पास में आईएनए मेंबर्स हैं उनका ट्रायल नहीं किया जाएगा ये जो अनाउंसमेंट है स्टूडेंट्स ये फर्स्ट डिसम्बर नाइनटीन को आता है इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट बैच था जिनके नाम हमने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस किए थे वी हैव प्रेम कुमार सैगल, शाह नवाज खान एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो तो ये जो फर्स्ट बैच हमारे पास में आया था इनके जो इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंसेस थे इनको भी रिमिट कर दिया गया था अगर हम नेवल इंडियन म्यूटनी की बात करें तो वो लोग क्या कह रहे थे वो स्ट्राइक कर रहे थे कि भाई इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनको इंडोनेशिया से और इंडो चाइना का जो एरिया है वहां से हटा लीजिए एंड एज अ रिजल्ट इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनको वहां से इंडीट विथड्रॉ कर लिया जाता है इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन अपसर्जेस के बाद इंडिया के अंदर फर्दर नेगोसिएशन के लिए कैबिनेट मिशन को भेजने का डिसीजन भी ले लिया जाता है तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो उसके बाद इंडिया में क्या चल रहा है एक तरफ तो इंडिया में हम देख रहे हैं सीवियर कम्युनलिज्म चल रहा है और ये जो सीवियर कम्युनलिज्म है ये मुस्लिम लीग और आईएनसी की नहीं बन रही इसकी वजह से हो रहा इसके अलावा दूसरी तरफ हमने देखा कि हमारे पास कुछ पॉपुलर अपसर्जेस हो रही हैं जैसे कि आईएनए के ट्रायल्स और उसके अलावा हमारी नेवल म्यूटनी तो इस कॉन्टेक्स में ये दोनों म्यूटनी क्या रही आईएनए क्या थी इनका डिस्कशन हुआ और इन अपसर्जेस का हमारे देश के ऊपर हमारी पॉलिटिक्स पे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या इम्पेक्ट रहा इसका डिस्कशन हमने कम्प्लीट किया यहां पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन से भी पहले गवर्नमेंट ने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया था और उन्होंने ये कहा था कि भाई सबसे पहले तो हम जो है आपके लिए सेंट्रल और प्रोविंशियल इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बिटवीन 1945 फोर्टी फाइव टू फोर्टी हमारे सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज हमें ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि कांग्रेस ने किस तरह के रिजल्ट लेकर वो आई और मुस्लिम लीग के क्या रिजल्ट रहे यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब हमारे इलेक्शंस हो जाते हैं तो कांग्रेस 91 ऑफ ऑल दी नॉन मुस्लिम वोट्स जो हैं उनको कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाती है मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सेंट्रल असेंबली के अंदर ये 102 में से 57 सीट्स जो हैं उनको कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं इसके अलावा प्रोविंशियल लेवल पर अगर हम बात करें तो इनको ऑलमोस्ट हर प्रोविंस के अंदर मेजोरिटी मिल जाती है विथ दी एक्सेप्शन ऑफ बंगाल सिंध एंड पंजाब इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास दो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज भी हैं दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड असम जहां पर भी कांग्रेस हैिटी पार्टी की तरह एमर्ज होके आती है जबकि इनको क्लेम किया जा रहा था एज अ पार्ट ऑफ द टू नेशन थ्योरी कि इनको पाकिस्तान के अंदर एड किया जाएगा तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं बड़ा ही क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज भी हैं जो कि कांग्रेस को और एक तरह से इंडिया को फेवर कर रहे हैं और पार्टीशन के फेवर में नहीं है ऑन मुस्लिम लीग के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनको जितने हमारे पास टोटल मुस्लिम वोट्स हैं हैं उसमें से अपनी तरफ मिल जाते सेंट्रल असेंबली की बात करें स्टूडेंट्स तो जितनी सीट्स इनके लिए रिजर्व थी वो सारी की सारी थर्टी सीट्स जो हैं ये कैप्चर कर लेते हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास दो मुस्लिम मजोरिटी एरियाज हैं जो कि पाकिस्तान के लिए क्लेम करे जा रहे थे लेकिन वहां कांग्रेस मेजोरिटी में आ जाती है दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड द सेकंड वन इज असम हाउ स्टूडेंट्स देर आर टू एरियाज इन विच वी फाइंड दैट मुस्लिम लीग एमर्जेस एज द मजोरिटी पार्टी एंड दीज इंक्लूड बेंगाल एंड सिंध यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1937 का जो इलेक्शन था वहां पर हमने देखा था कि मजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम जो हमारे मुस्लिम मजॉरिटी एरियाज़ हैं, उनके अंदर भी हमारे को बहुत जगह पे आईएनसी आती हुई दिख रही है और बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स जो हैं, वो भी कांग्रेस के लिए ही वोट कर रहे थे लेकिन अगर हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान दें तो आप देखेंगे कि 1937 से 45 के बीच में एक चेंज आया है और वो चेंज ये है कि हमारे पास में मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो अब मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने लग गई है मुस्लिम लीग हैज बिकम द डोमिनेंट पार्टी अमंग्स द मुस्लिम पॉपुलेशन यहां पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर कांग्रेस भी मेजॉरिटी पार्टी की तरह नहीं आई थी यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो हमारे पास बची हुई पार्टीज हैं वो मुस्लिम लीग के साथ कोलेशन ना करके इन कांग्रेस के साथ कोलेशन करके पार्टी बनाती हैं और ये जो दो रीजनल पार्टी हमें यहाँ पे मिलती है दीज इंक्लूड द यूनियनिस्ट पार्टी एंड द अकाली दल तो यहाँ पे इन तीनों का जो है कोलेशन होता है और लीडर की तरह इमर्ज होते हैं खिज्र हयात खान जो कि यूनियनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं तो पंजाब का जो केस है वो थोड़ा पेक्यूलियर है बट इन रिस्पेक्टिव इलेक्शन रिजल्ट अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे कि मुस्लिम मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर अब मुस्लिम लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है नंबर वन नंबर टू हम देखते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है जहां पर कांग्रेस मेजोरिटी में आ रही है और इससे हमें ये पता चल रहा है कि काफी सारे एरियाज जो है पार्टीशन को फेवर नहीं कर रहे इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने अभी तक में कंसेशन में एक पॉइंट देख लिया कि भाई इलेक्शन हो चुके हैं प्रोविंशियल और सेंटर लेवल पर दूसरा प्रॉमिस हमें गवर्नमेंट ने क्या किया था पॉपुलर के बाद कि इंडिया में फर्दर नेगोसिएशन करने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर करने के लिए आएगी कैबिनेट मिशन तो यहां पे स्टूडेंट्स अब हम कैबिनेट मिशन के पॉइंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो इसका जो अनाउंसमेंट है ये फेबर 1946 के अंदर हो गया था और यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के तहत हमारे पास थ्री ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स आते हैं दीज इंक्लूड सर स्टैफर्ड क्रिप्स उनके अलावा हमारे पास में है पैथिक लॉरेंस और उनके अलावा हमारे पास में है एवी एलेक्सेंडर तो ये तीन अपने पास में ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स आ रहे हैं जो कि इंडिया में कैबिनेट मिशन को लेकर आएंगे और इसके अनाउंसमेंट्स इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के सामने रखेंगे यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब हमारा क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास में एक ही चीज ऑफर करने के लिए बची है और वो है कंप्लीट फ्रीडम एज अ रिजल्ट कैबिनेट मिशन का गोल क्या है टू इंट्रोड्यूस दीट फ्रीडम फॉर इंडिया हाउएम बी गिवन मोर ओवर इज दैट की पार्टीशन होगा या नहीं होगा इस पॉइंट को समझने के लिए स्टूडेंट आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के इंडिया में आने से पहले अभी जो हमारे ब्रिटेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं क्लीमेंट एटली वो एक अनाउंसमेंट करते हैं क्लीमेंट एटली उसके अंदर वो ये कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि, कि किसी भी देश की माइनॉरिटी की आवाज को दबाना नहीं चाहिए लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पूरी मेजॉरिटी को डिस्कार्ड कर दें माइनॉरिटी की बात सुनने के लिए ये स्टेटमेंट वो खास करके इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद दे रहे हैं स्टूडेंट्स जहां पे हमें क्लियर कट दिख रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द इंडिया डज नॉट वांट टू बी पार्टीशन इस कॉन्टेक्स्ट में जब क्लीमेंट एटली का ये अनाउंसमेंट आता है तो लगभग हर इंसान ये अंदाज लगाने लग जाता है कि हो सकता है पार्टीशन जो है उसकी डिमांड को रिजेक्ट किया जाए इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब कैबिनेट मिशन आने वाली होती है उस टाइम पर कांग्रेस भी अपना कुछ व्यू पॉइंट सरकार के सामने रखती है कांग्रेस ये डिमांड करती है कि पावर जो है वो एक ही सेंटर के हाथ में देनी चाहिए और उसके अलावा माइनॉरिटीज की जो डिमांड है कि भाई हमें ऑटोनॉमी चाहिए या हमें अपना सेपरेट नेशन चाहिए ऑल टुगेदर इसके लिए एक फ्रेमवर्क ऑल टुगेदर बनाया जाएगा जिसमें मुस्लिम मजोरिटी एरियाज़ को प्लेबिसाइट के थ्रू सेल्फ डिटर्मिनेशन करने का राइट right दिया जाएगा ये सब तब ही होगा जब पहले इंडियन यूनियन के हाथ में पावर आए फिर प्लेबिसाइट होगा फिर डिसीजन होगा कि पार्टीशन होगा के नहीं और यह सब तब होगा जब ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इंडिया छोड़कर चले जाएंगे तो यहां पे हमने एक तो क्लीमेंट एटली के स्टेटमेंट को सुन लिया उसके अलावा हमने ये देख लिया कि कैबिनेट मिशन के प्लान्स के आने से पहले कांग्रेस ने फिर से क्या डिमांड रखी है? इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स फाइनली हम देखते हैं कि 24th मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन इंडिया के अंदर लैंड करती है और अपने प्रोविजंस देश के लोगों के सामने रखती है क्लीमेंट एडली के स्टेटमेंट को रेजोनेट करते हुए पहली डिमांड हमारे पास ये आती है कि फुल फ्लेजेड पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है यहां पर हमारे पास ये जो तीन ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान बनाने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं वो उसके अगेंस्ट भी लगाए जा सकते हैं अगर मुस्लिम्स अपने आप को किसी एरिया में माइनॉरिटी बोल रहे हैं तो सिमिलरली उन्हीं एरियाज के अंदर कोई दूसरे एरियाज के अंदर वो मेजोरिटी भी है ठीक है अगर वो एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हमारे जो राइट्स हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा या हमारे को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तो ऐसा तो और कम्युनिटीज के लिए भी कहा जा सकता है तो इस कॉन्टेक्सट में कई आर्ग्यूमेंट्स देते हुए कैबिनेट मिशन जो है वो पाकिस्तान की डिमांड जो है उसको रिजेक्ट कर देती है इन हम देखते हैं कि ये कहते हैं हम पहले प्रोविंशियल जो असेंबलीज है हमारी एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं इनको तीन ग्रुपिंग्स के अंदर तोड़ेंगे ये जो तीन ग्रुप बनते हैं स्टूडेंट्स ये है सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हिंदू मजोरिटी प्रोविंसेस को ग्रुप किया जाता है और सेक्शन बी और सी में आपकी मुस्लिम मजोरिटी प्रोविंसेस को ग्रुप किया जाता है सेक्शन बी के अंदर आप देख सकते हैं अपने नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो मुस्लिम मेजोरिटी इनकी ग्रुपिंग है जबकि सेक्शन सी के अंदर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है उनकी ग्रुपिंग है बाकी सारी जो भी प्रोविंस है वो सेक्शन ए के अंदर आ रही है जब ये ग्रुपिंग की बात होती है स्टूडेंट्स तो एक बात हमें याद रखनी है और वो ये है कि इस ग्रुपिंग को कंपलसरी होना है या नहीं होना है इस पे कैबिनेट मिशन अभी क्लियर नहीं है इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि प्रोविंशियल असेंबलीज जो है इनको तीन ग्रुप्स के अंदर तोड़ दिया जाएगा ये कंपलसरी है या नहीं है इसकी कोई बात नहीं हुई इसके अलावा हम देखते हैं कि हमार को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे करना है इसके लिए भी एक प्रोविजन मिलता है यहां पर यह बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसके मेंबर्स को प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे और दिस विल बी डन बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इस कॉन्टेक्स में ये डिसीजन लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसके अंदर 389 मेंबर्स होंगे प्रोविंसेस में से तो इलेक्टेड मेंबर्स आने वाले हैं लेकिन स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर्स कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे ये नॉमिनेटेड होंगे ना कि इलेक्टेड और इसके ऊपर जो है आगे जाके झगड़ा भी होने वाला है इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एक प्रोविजन ये बनाया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हम देखेंगे कि हमने जो ये तीन सेक्शन बनाए थे ए बी सी ये जो तीन ग्रुप बनाए हैं ए बी सी ये अलग अलग बैठ के अपने एरियाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हाउएवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन तीनों को ये भी डायरेक्शन दिया गया कि आप तीनों को मिलके एक पूरी यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन भी बनानी है इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारे को एक मेजर प्रोविजन कैबिनेट मिशन में मिलता है वो ये है कि हमारे पास एक कॉमन सेंटर होने वाला है जो कि डिफेंस कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करेगा कुछ ऐसे से ही पॉइंट स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमने ऑलरेडी सीआर प्लान के अंदर देखे थे जहां पे लीग और कांग्रेस के कोऑपरेशन की बात चल रही थी कि भाई अगर हम आगे जाकर डिसाइड कर लेंगे कि तुम्हारे को पार्टीशन करना है या नहीं बट इवन इन दैट इवेंट हमारा एक कॉमन सेंटर होगा जिसके अंदर डिफेंस कम्युनिकेशन एक्सटर्नल अफेयर्स को इकट्ठे हैंडल किया जाएगा ये सेम पॉइंट कैबिनेट मिशन के प्रोविजन से भी रेजोनेट कर रहा है इसके अलावा स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे जब हम इस पॉइंट को समझते हैं तो इससे है है आपका नेक्स्ट पॉइंट जिसमें ये बोला जाता है कि इंडिया के लिए फेडरल स्ट्रक्चर इंतजाज किया जा रहा है जिसमें हमारे कॉमन सेंटर है और जो स्टेट्स हैं वो उनसे एसोसिएटेड है हाउएवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारा जो ये फेडरल स्ट्रक्चर होने वाला था इसके अंदर फुल ऑटोनॉमी और रेसिडुअल पावर सेंटर के पास नहीं बल्कि प्रोविंसेस के पास होने वाली थी एंड दिस इज समथिंग दैट वाज गिवन एज अ कंसेशन टू द मुस्लिम लीग एज देयर डिमांड फॉर पाकिस्तान हैज ऑलरेडी बीन रिजेक्टेड एज द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कम्युनल जो हमारे पास में क्वेश्चन हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर उनके ऊपर कैसे डिसीजन लेने है? इसके लिए हम सिंपल मेजोरिटी जो है उसका यूज करने वाले थे ऑफ दुअर प्रेजेंट एंड वोटिंग तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया एक तो पाकिस्तान की डिमांड रिजेक्ट हो गई है प्रोविंस की ग्रुपिंग कर दी गई है ये कंपल्सरी है या नहीं इस पर कैबिनेट मिशन चुप है इसके अलावा कैबिनेट असेंबली कैसे इलेक्ट करी जाएगी इसके प्रोविजन दिए गए हैं उसके बाद जब कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखनी है इसके प्रोविजन दिए गए हैं मोर ओवर सेंटर और स्टेट्स के बीच में किस तरह के रिलेशंस होंगे ये एक वीक फेडरल सिस्टम है ठीक है या फिर एक स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम है इसके ऊपर सवाल था और यहां हम देखते हैं कि सेंटर की जगह प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी और रेसिडोरी पावर्स छोड़ी गई हैं जिससे कि मुस्लिम लीग को कुछ लेवल पर कंसेशन दिया जा सके अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करें स्टूडेंट्स तो प्रिंसली स्टेट्स को यह प्रोविजन दिया गया था कि यू आर नो लॉन्गर अंडर दैरामाउंटसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि हमारी तरफ से जो है आप एक बार को फ्री हो गए हो अब आप क्या कर सकते हो आप कोई भी सक्सेसर गवर्नमेंट आगे जो आ रही है या तो उनके साथ में आप अपना नया एंगेजमेंट शुरू कर सकते हो अरेंजमेंट कर सकते हो या फिर जो है आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है अपना नेक्स्ट अरेंजमेंट कर सकते हो यानी कि एक तरह से हमने प्रिंसली स्टेट्स की जो इंडिपेंडेंस है फ्रॉम द यूनियन उसको भी यहां कंसिडर कर रखा है जिसमें इंडियन यूनियन की जगह वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी अरेंजमेंट के अंदर एंटर कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास में अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो वहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है से अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है तो उसके ऊपर भी एक प्रोविजन ये दिया गया कि अगर इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो टेन ईयर्स के बाद और फिर उसके बाद टेन ईयर्स की इंटरवल के ऊपर किए जाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है और जो आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो पहले चेंज दस साल बाद होंगे और उसके बाद रेगुलर दस साल के इंटरवल पे जो है आप इन uh, एक्ट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम ग्रुपिंग की बात करें स्टूडेंट्स जो हमारे सेक्शन सी बने थे अगर हम उस ग्रुपिंग की बात करें तो यहाँ पर तो अगर कोई प्रोविंस है जो कि अपने करंट ग्रुपिंग से खुश नहीं है या उसके अंदर नहीं रहना चाहती फ्यूचर में तो वो उससे बाहर आ सकते हैं लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब हमारे पहले जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे सो इट कैन ओनली बी डन आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑल टुगेदर इसके अलावा जो हमें एक और मेजर प्रोविजन कैबिनेट मिशन में मिलता है वो ये है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट मीनवाइल बनाई जाएगी और इस इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स आने वाले हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही निकालेंगे तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने प्रोविजंस तो ठीक से देख लिए हैं अब देखते हैं कि कांग्रेस और लीग किस तरह से रिएक्ट करने वाली है रिएक्शन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जो मेन कंफ्यूजन यहां पर चलने वाली है दिस इज गोइंग टू बी ऑन द ग्रुपिंग क्लॉज ग्रुपिंग क्लॉज के ऊपर जो है अलग अलग इंटरप्रिटेशन चल रहे हैं लीग के और कांग्रेस के जैसा कि मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन ये क्लियर नहीं करती है कि ग्रुपिंग कंपल्सरी है या नहीं तो कांग्रेस अपने मन में सोच लेती है कि ग्रुपिंग कंपल्सरी नहीं है जबकि मुस्लिम लीग अपने मन में सोच लेती है कि ग्रुपिंग तो कंपलसरी होगी ही होगी और ये जो दोनों डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आगे जाके लड़ाई का कारण बनने वाले हैं यहां पर आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया टू द कांग्रेस द कैबिनेट मिशन प्लान वॉज अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ये बात तो ठीक है और इसके अलावा उन्होंने ये सोचा क्योंकि ग्रुपिंग तो ऑप्शनल है हाउ एवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे मुस्लिम लीग ये बिलीव कर रही है कि ग्रुपिंग जो है वो कंपल्सरी होने वाली है और इसकी वजह से हमें आगे जाके पाकिस्तान भी मिल सकता है ये एक मेजर कारण रहा जिसकी वजह से फिर इन दोनों में लड़ाई होने वाली है इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो बोलती है कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर प्रोविंस को अपने कंटेम्पर करंट ग्रुप के अंदर नहीं रहना है तो वो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस तक क्यों वेट करेंगे इन हमार को ये ऑप्शन किसी भी ग्रुप को ना ज्वाइन करने का स्टार्टिंग के अंदर ही दे देना चाहिए तो ये एक और ऑब्जेक्शन इनके सामने आता है इसके अलावा ये जो दूसरा ऑब्जेक्शन कांग्रेस उठाती है वो ये है कि भाई प्रिंसली स्टेट से इलेक्टेड मेंबर्स क्यों नहीं आ रहे वहां से नॉमिनेशन क्यों चल रही है तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है जो कि हम देखते हैं कांग्रेस पॉइंट आउट करती है लीग की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो लीग क्या लड़ रही है लीग ये बोल रही है कि कंपलसरी ग्रुपिंग करो सेक्शन बी और सी की जिससे कि ये फर्दर आगे जाकर पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो दोनों के दोनों अपने रिजर्वेशंस और ऑब्जर्वेशंस लेकर ऑब्जेक्शंस लेकर बैठे हुए हैं और इस बीच में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है चुपचाप से कह देती है नहीं नहीं ग्रुपिंग तो कंपलसरी है सो वन पॉइंट दैट आई वांट यू टू रिमेंबर हियर इज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्वाइटली डिक्लेयर्स दैट the grouping is compulsory now this is the idea students that will make the creation or of pakistan or partition almost inevitable तो अब इसको देख के तो हमें पता चल ही रहा है कि एक पॉइंट में तो पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया और बाद में चुपचाप से कह दिया नहीं ग्रुपिंग तो ऑप्शनल नहीं कंपल्सरी है और इस वजह से हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाएगा हमारे लिए पार्टीशन यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स को आगे रखा जाता है तो एक बार के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने रिजर्वेशन माइंड में रखते हुए भी दोनों के दोनों इन प्रोविजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं इस एक्सेप्टेंस के बाद सबसे पहली चीज क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए उसके इलेक्शंस होते हैं ये जो इलेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स ये जुलाई 1946 में होते हैं और यहां पर ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से जीतती है आई जब ऐसा होता है तो ऑलरेडी मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के कान खड़े हो जाते हैं और वो टेंशन में आ जाते हैं यहां पर इस आग में घी का काम कर जाता है जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू 10 जुलाई 1946 को यह कहते हैं कि वी आर नॉट बाउंड बाय बाई सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू टू गो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये वी कौन है ये वी है आईएनसी एंड मुस्लिम लीग और यहां पर जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि हम आपस में किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं हैं बस हम साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जा रहे हैं मोर ओवर स्टूडेंट्स वो इसके साथ ही कहते हैं दैट देर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी दैट देर विल बी नो ग्रुपिंग एज क्लियरली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड असाम हैव ऑब्जेक्शन इन ज्वाइनिंग दी सेक्शन बी एंड सी ऑफ दीज ग्रुपिंग्स तो यहां पर जैसे ही नेहरू ये स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग और उनके लीडर्स के अंदर एक तरह से खलबली शुरू हो जाती है और इसी की वजह से ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना लीग के साथ मिलकर कैबिनेट मिशन से अपनी एक्सेप्टेंस को विथड्रॉ कर लेते हैं और डायरेक्ट एक्शन टू अचीव पाकिस्तान का कॉल देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है इसको कन्वीन किया जाता है ऑन 16th अगस्त 1946 तो यहां पर हमने 1946 29th जुलाई को तो हमने अपनी एक्सेप्टेंस विथड्रॉ कर ली और 16th अगस्त 1946 को हमने डायरेक्ट एक्शन कॉल डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दे दिया है टू अचीव पाकिस्तान 16th अगस्त ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर सीवियर कम्युनल वायलेंस शुरू होती है स्पेशली इन दरियाज ऑफ बेंगौल एंड पंजाब तो यहां पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन के बाद उल्टा सिनारियो और चेंज हो रहा है और देश भर में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज्यादा वायलेंस चल रही है इसी बीच में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में क्या होता है हम ये डिसीजन लेती है ब्रिटिश सरकार ये डिसीजन लेती है बेसिकली कि भाई अभी इनकी इतनी ज्यादा कम्युनल वायलेंस भी चल रही है ये लोग कैबिनेट मिशन से भी कंप्लीटली खुश नहीं है कहीं कोई दोबारा मास मूवमेंट ना हो जाए और इस वजह से वो फटाफट ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस जो है एटलीस्ट इसको तो पैसिफाई करो और इनके साथ मिलकर इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं यहां पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वेवल जो है वो जाके कांग्रेस को बोलता है कि चलो भाई आप इंटरिम गवर्नमेंट तो बनाओ आगे की आगे देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड सितंबर 1946 को नेहरू की लीडरशिप के अंदर इंडिया इंटरिम uh, गवर्नमेंट बनती है विच इज कंप्लीटली कांग्रेस डोमिनेटेड हाउएवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वेवल फिर से कुछ चालाकी कर जाते हैं और अक्टूबर ट्वेंटी मुस्लिम लीग को कन्विंस करके इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करवा देते हैं यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है इसको ही सिर्फ ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग ने इन्होंने कैबिनेट मिशन की एक्सेप्टेंस जो विड्रॉ करी थी वो अभी तक सेम है यानी कि दे हैव स्टिल रिजेक्टेड कैबिनेट मिशन यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे वे वल इनको इंटरिम गवर्नमेंट एंटर कर लेने देता है डिस्पाइट द फैक्ट कि मुस्लिम लीग ने अपने डायरेक्ट एक्शन डे का जो कॉल है जो अपनी डिमांड है उसको गिव अप नहीं किया है जबकि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया गया था इसके अलावा आप देखेंगे अभी तक इन्होंने कैबिनेट मिशन के लॉन्ग और शॉर्ट टर्म प्लान दोनों को रिजेक्ट कर रखा है इसके बावजूद वेवल जो है मुस्लिम लीग को इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेने देते हैं यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के अंदर भी एक डेडलॉक सा आ गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बना ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी तक गुट नहीं आया है मुस्लिम लीग की तरफ से मोर ओवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर हम इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है इसके अंदर हमारे पास मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों बैठे हैं और दोनों के दोनों जो है झगड़ा करते रहते थे आपस में और कोई एब्सल्यूट डिसीजन नहीं ले पाते थे इस बीच में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो अटका हुआ काम है उसको भी आगे पूरा किया जाता है विदाउट लीग पार्टिसिपेशन ये डिस्कशन होता है लीग को नहीं ज्वाइन करनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई बात नहीं छोड़ो कॉन्स्टिट्यूशन तो बनानी है हम लोग जितने लोग हैं हम ही मिलकर बना लेंगे एज ए रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो है वो नाइन्थिसंबर दिसंबर 1946 को होती है लेकिन मुस्लिम लीग इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती इस फर्स्ट मीटिंग के तहत स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो है, वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास करती है जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा ड्राफ्ट किया गया था इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इंडिया को एक डेमोक्रेटिक एक सोशलिस्ट कंट्री इस तरह के ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1947 फरवरी के अंदर कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो कैबिनेट को लिखते हैं जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो वाइस को डिमांड करते हैं कि भाई लीग मेंबर्स जो हैं इनको रिजाइन करने के लिए बोलो वरना हम अपने खुद के नॉमिनीज को विड्रॉ कर लेंगे पर्टिकुलर थ्रेट स्टूडेंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि लीग जो है इंटरिम गवर्नमेंट में कोऑपरेट करने की जगह हर्डल्स बनाने की कोशिश करती रहती है ऑल द टाइम और इसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो हो ही नहीं पा रहा है कैबिनेट मिशन 1946 में आके बोल चुकी है कि हम आपको फ्रीडम दे, दे देंगे लेकिन फ्रीडम आएगा तब जब हम आपस में लड़ना बंद करेंगे कुछ डिसीजन लेंगे लेकिन यहां पर कंटिन्यूअसली इनमें आपस में झगड़े चल रहे हैं और इस वजह से इस तरह का थ्रेट जो है वो कांग्रेस की तरफ से आता है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा पोस्ट वॉर सिनेरियो और कैबिनेट मिशन का डिस्कशन जो है कंप्लीट होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम मेजर चेंजेस की बात करें तो एक तो हमने देखा कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते इंडिया के अंदर मल्टीपल मास अपीवल्स हो रहे हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी नेवल म्यूटनी और आईएनए के जो ट्रायल्स हैं इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब सरकार कंसेशनरी मोड में आती है तो एक तो वो हमारे प्रोविंशियल और सेंट्रल इलेक्शंस कराती है और उसके अलावा कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेजने का डिक्लेरेशन कर देती है इस डेक्लेरेशन के तहत तीन लोगों के अंदर हमारे पास में कैबिनेट मिशन आती है दैट इज स्टैफर्ड क्रिफ्ट एवी अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस तो इन तीनों के नाम भी जो है आप याद रखेंगे प्रोविजन के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इलेक्शन कैसे होंगे इसके बारे में गाइडेंस दी जाती है इसके अलावा हमें ये बोला जाता है कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट जल्द से जल्द बनाई जाए जिससे कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो सके इस बेसिस पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पहले तो मुस्लिम लीग और आई दोनों के दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स लेकिन ग्रुपिंग वाले पॉइंट को लेके जो है मुस्लिम लीग और आईएनसी का झगड़ा हो जाता है और नेहरू के एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को देख के और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन रिजल्ट को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कैबिनेट मिशन से अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर लेते हैं अभी तक जहां तक हमने पढ़ा है अभी भी मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन से अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर रखी है लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट में इन्होंने वेवल के कहने से पार्टिसिपेट कर लिया और यहां पर भी ये हर्डल्स ही क्रिएट कर रहे हैं तो यहां तक का स्टूडेंट्स हमने क्विक रिकैप भी ले लिया है और यहां पर हम अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बस हम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमें फ्रीडम मिल जाएगी फ्रॉम our lectures also and also from the clutches of british government so here students i am going to complete my discussion altogether i hope you were able to understand all the topics thoroughly students if you enjoy studying with me don't forget to like this particular video and also don't forget to subscribe to our youtube channel so that you can be notified whenever a new video is coming up thank you so much again